जमैका टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले फवाद आलम का कहना है जमैका की विकेट आसान नहीं। टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज को कम से कम रन पर आउट कर दिया तो मैच जीतने की पोजीशन में होंगे। बस अम्मी से मेरी बात हो रही थी तो अम्मी ने बस मुझे सिर्फ ये कहा था कि जाओ और आज तुम सेंचुरी बनाओगे। सो पता नहीं किस उसमें थी, जो मेरी माँ की दुआ थी और मेरे वालिद साहब से बात हुई तो वालिद साहब ने कहा वेस्ट इंडीज में भी एक दफ़ा जो है बल्ला लहराओ यार। इनिंग की बात है कि आपको पता है कि 2 रन पे 3 आउट हो गए थे और कंडीशन डिफरेंट और मुश्किल थी, ना कि सिर्फ विकेट डिफरेंट थी, सिचुएशन कंडीशन एवरीथिंग, ह्यूमिड बहुत, गर्मी बहुत थी, यू नो, उसमें फिर प्रेशर बहुत था। सो मेरे ख्याल से कि हमने कोशिश की, मैंने और बावर ने, कि जितना हम खेल सकें उतना खेलें और जितना अपनी टीम को आगे लेके जा सकें। क्योंकि पहला टारगेट ये है कि जल्द से जल्द आउट करें, जितना हम जल्द से जल्द आउट करेंगे उतना हम मैच में रहेंगे, क्योंकि 2 दिन है हमारे पास। तो उसमें जो है आगे फिर देखेंगे कि क्या करना है, तो जितना जल्द से जल्द आउट करेंगे हमारे पास क्वेश्चन होगा कि हमने आगे क्या करना है, सेकेंड इनिंग में क्या करना है। तो इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह कि हम कल आके इनको जल्द से जल्द आउट करें, रन कम से कम दें ताकि हम डिसीजन ले सकें और इस टेस्ट में इंशाल्लाह जीत के सीरीज को लेवल कर सकें।